दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पवन भारद्वाज है। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। आप बागेश्वर धाम पहली बार आए या पहले भी आ चुके हैं? नहीं, मैं कम से कम 7-8 बार आ चुका हूँ। तो यहाँ अगर आपको बालाजी के और जो यहाँ के पीठाधीश है महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके दर्शन हुए हैं? हाँ, उनके दर्शन हुए। तो जिस वक्त उनके आपको दर्शन हुए तो उस वक्त आपको कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था, हमने उनसे गुरु दीक्षा भी ली हुई है। अच्छा, जैसा कि बागेश्वर धाम में 156 सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया जा रहा है और उसकी तैयारियां भी बड़ी जोर शोर से की गई है, तो उन तैयारियों के बारे में आपका क्या कहना है? एक ऐसी तैयारियां आज तक हमने पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में कहीं नहीं देखी होती हुई। पिछले साल भी मैं इसी सामूहिक विवाह के समय पर आया था। अच्छा, जिस टाइम 121 कन्या का विवाह हुआ था उससे भी काफ़ी ज़्यादा और एक्स्ट्रा इस बार तैयारी करी गई है। अच्छा, और जो यहाँ पर ये शादियाँ हो रही हैं उन्हें कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप भी दिया जा रहा है, तो क्या आप हमारे दर्शकों को यह बताने की कोशिश करेंगे कि जो उन्हें उपहार स्वरूप मिलना है वह कौन सी चीज़ें हैं? उपहार स्वरूप में सबसे बड़ी बात उनको एक मोटरसाइकिल मिल रही है। अच्छा, पूरा फर्नीचर सेट मिल रहा है, बर्तन मिल रहे हैं, घर का पूरा सामान, कपड़े, सोने चांदी की चीज़ें, पूरा गृहस्थी का सामान मिल रहा है जो कि एक आम आदमी भी अपने बच्चे को नहीं दे पाता है, जो कि यहाँ से मिल रहा है। तो आपके कहने का मतलब कि जो एक गरीब परिवार की माता पिता अपनी बेटी को शादी में नहीं दे पाते हैं वह बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वह दे रहे हैं। दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं जी। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा मैं चीज़ कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी यहाँ पे मुझे एक ये चीज़ यहाँ पे लगी कि हमारे गुरुजी हैं उनका संदेश कि सनातन धर्म जी। तो यहाँ पे कोई ये नहीं है कि कौन सी बेटी किस धर्म की है, किस जात की है। अच्छा, किस उसकी है, सब बेटियाँ एक समान है जी। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सनातन धर्म की जय हो। बागेश्वर धाम की जय।